इसको नीचे और ऊपर जब मूव करेंगे तो ये यहाँ से, ये देखो ये किस तरह से मूव करता है, ये देखो। जब इसको आप एक बार ऐसा क्लिक करेंगे, वन प्रेस करेंगे इसको आप, ये फ़ोटो को कैप्चर करता है। ये देखो ये फ़ोटो कैप्चर कर लिया। ओहो, ये रहा होएम हाई स्टडी मोबाइल का स्मार्टफोन। गिम्बल करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग और आप देखेंगे और बेस्ट क्वालिटी का स्मार्टफोन गिम्बल। चलिए फटाफट शुरू करते हैं यार और दिखाते हैं आपको इसका अनबॉक्सिंग। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। इसमें एक बहुत ही खास फीचर दिया है जो कि सारी किसी गिम्बल पे देगा और वो है इसका QR कोड। आपको प्ले स्टोर पर या फिर आपको एप्पल स्टोर पर कहीं भी सर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना कुछ लिख के सर्च करना पड़ेगा ना किसी भी तरह से, बस आपको सिर्फ QR कोड से इसको स्कैन करना पड़ेगा और इसका रियल का जो एप्लीकेशन है वो आपको तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल में। ओहो यार, एक ख़ास इन्फॉर्मेशन देना आपको मैं भूल गया और वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके बॉक्स पे मिल जाएगा सबसे ऊपर। जो इंस्ट्रक्शन इसमें दिया है अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप शायद थोड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसके पहले लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या दिया है इसमें। तो इसमें लिखा है प्लीज़ अटैच योर फ़ोन इन होल्डर बिफोर स्विच ऑन द गिम्बल, यानी जब गिम्बल आप स्विच ऑन करेंगे उसके पहले आप अपने स्मार्टफोन को गिम्बल के होल्डर में आप इसको कर लेंगे इंस्टॉल, तब इसको शुरू करेंगे। यह खास इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले बॉक्स पे आप इसको फटाफट शुरू करते हैं यार और दिखाते हैं आपको इसका अनबॉक्सिंग। इसको कर लेता हूँ यहाँ से कट ते यार और बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं इसमें कैसा है और कैसा दिखता है। वो एक नंबर, ये बॉक्स को कर देते हैं साइड में, फेंक देते हैं बाजू में और ये रहा इसका बॉक्स जो कि काफ़ी अच्छा बॉक्स है, बहुत ही स्मार्ट बॉक्स है, स्मार्ट है। इसको फटाफट कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। जिप को मैंने खोल लिया है। ओ हो हो हो, क्या आइटम दिख रहा है भाई। और सबसे पहले यहाँ ऊपर तो आप देख सकते हैं ये है यूजर मैनुअल गाइड, तो इसको करते हैं ये भी कर। और ये है USB चार्जिंग केबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कर देते हैं साइड में। और ये रहा गिम्बल का स्टैंड जो कि काफ़ी स्मार्ट दिख रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। और ये रहा आपका मेन प्रोडक्ट गिम्बल, बहुत प्यारा बहुत अच्छा दिख रहा है गिम्बल। अब इसके बारे में मैं एक एक फीचर्स के बारे में मैं इसको बताऊंगा। दोस्तों इसमें कुछ तो चेंजिंग है और वो चेंजिंग क्या है, चेंजिंग ये है कि सन 2022 के बाद जो भी पीस बना के सेल कर रहा मार्केट में होएम कंपनी, उसमें इसके पहले का जो था वो था माइक्रो USB केबल, जो कि इसमें चेंजिंग किया है और बहुत ही बड़ा बदलाव किया है इसमें। इसको दे दिया है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस समय की मांग है या बोल सकते हैं बहुत ज़रूरी था क्योंकि आजकल टाइप सी का ज़माना है। तो ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे और इसको रख देते फिर साइड में। और यहाँ से अब आपको इस स्टैंड के बारे में बताता हूँ मैं, जो इसका स्टैंड है काफ़ी कंफर्टेबल है, ये आराम से बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें एक रबड़ का ग्रिप दिया हुआ है जो कि बहुत जरूरी है। अब आपका ये प्यारा गिम्बल है जिसके 6 खास फीचर्स दिए हैं, अब मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ जो इसको बहुत ही स्मार्ट और ख़ास बनाता है। जो सबसे पहला इसका फीचर है वो है ब्लूटूथ लाइट मोड। अब बात करते हैं इसके दूसरे फीचर्स की, वो है मोड लाइट। और इसका जो तीसरा फीचर है वो है ट्रिगर बटन जो कि इसका मेन है। बात करते हैं चौथे फीचर्स की, वो है जॉयस्टिक बटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बहुत खास है। और अब बात करते हैं इसके पांचवें मोड की जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि ये कैसे वर्क करता है। ये है पावर बटन और इसी पावर बटन में दो फीचर्स और जोड़ा है और वो है फ़ोटो कैप्चर का, इसी बटन से इसी में सिस्टम दिया है वीडियो फीचर, फ़ोटो कैप्चर और पावर ऑन ऑफ का, वो है ये आप देख सकते हैं। और जो 6 इसमें फीचर दिया है वो है मोड बटन, यहाँ आप देख सकते हैं ये बीच में दिया है। सबसे पहले तो आप इसको बहुत गौर से देख लीजिए, इसके खास खास जो डिज़ाइन किया है क्या प्यारा लुक दिखता है और प्यारा डिज़ाइन है।
और इसमें सबसे जो बहुत मुझे अच्छा लगा, इसमें तीन तीन मोटर दिया हुआ है, पहला मोटर, दूसरा मोटर और तीसरा मोटर, इसमें तीन तीन मोटर्स दिया है। और ये यह प्यारा सा लॉक है, और ये है इसका बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का इसका होल्डर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मोबाइल होल्डर। तो गाइज मैं इसको स्टैंड को इसमें इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ऐसा आप इसको लगा लेंगे, ऐसा घुमाएंगे, ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना दबा के, खूब बस हल्का बस हो गया, और स्टैंड को ऐसा आप फैला देंगे, और ये देखो बहुत आसानी से बैठ गया। ये कितना प्यारा इसमें सिस्टम दिया बैठने का, ये कंफर्टेबल बहुत आराम से बैठ गया, किसी भी एंगल में ये मूव कर सकता है, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये गिरेगा भी नहीं। इसके बारे में बता रहा हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखो यहाँ पर USB पोर्ट दिया है, और इसको आप ऐसा लगाएंगे, यहाँ पर टाइप सी है, इधर से लगाओ या इधर से लगाओ घुमा के, एक ही बात, किधर से भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा फीचर है। ओह अब आप सोच रहे होंगे कि इसका चार्जिंग का क्या फंडा है, कितना टाइम तक इसको चार्ज करना है। तो दोस्तों इसको बस आप इसको सिर्फ 4 घंटे तक चार्ज करेंगे, 4 घंटे से कम भी करेंगे तो ये फुल्ली चार्जिंग हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा, अगर आप इसको 4 घंटे चार्जिंग लगाते हैं तो इसमें ये फुल बैटरी पूरी तरह से इसका ड्रेन हो जानी चाहिए, यानी ये चार्जिंग नहीं रहेगा, पूरा चार्जिंग खत्म हो जाएगा, तब आप इसको 4 घंटा लगाएंगे तो चार्जिंग हो जाएगा। इसमें चार्जिंग लाइट दिया हुआ है, जितना परसेंट चार्जिंग होगा उतना लाइट 1, 2, 3, 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं वो जलते रहेगा, जैसे ही ये पूरा फुल होगा तो लास्ट का ये लाइट जल जाएगा, तो आपको लगेगा, आप आराम से समझ जाएंगे कि ये फुल्ली चार्जिंग हो गया है। तो ये रहा इसका चार्जिंग का फंडा। अब आगे से खास बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि अगर ये बराबर सेटेबल नहीं हो पा रहा है, आपका फ़ोन सेट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से ये खास इसमें सिस्टम है, यानी कि सबसे बहुत इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि ये नीचे ऊपर मूव होता है, इसको आप कर जब नीचे ऊपर करेंगे तो ही इसे बराबर सेटअप हो जाएगा। किसी 1 सेटिंग पे अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे या सेट करेंगे तो सेटिंग बराबर नहीं होगा, तो आप क्या समझेंगे कि ये बराबर से ये गिम्बल बराबर नहीं है या गिम्बल सही नहीं है। तो ये सबसे खास बात आप यहाँ पे ध्यान रखना। अभी तक तो आपने जो देखा कि मैंने बताया कि इसमें क्या क्या फीचर दिया है, लेकिन अब आपको मैं ये बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है, और आप भी शायद इस वीडियो को इसीलिए क्लिक किया है कि इसके जो फीचर्स है वो वर्क कैसे करता है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है या नहीं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं आउटडोर और बाहर की तरफ चलते हैं और वहाँ शूट करते हैं हम लोग आउटडोर पे। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि अगर इसको आपको लाइव दिखाऊं, पूरा आउटडोर सेटिंग करके मैंने आपके सामने अगर दिखाऊंगा तो आपको बहुत ही इस पर भरोसा होएगा कि हाँ ये कैसा किस तरह से शूट करता है और वर्क करता है। तो अभी मैं आपके सामने गिम्बल लेके आ गया हूँ और यहाँ से आपके सामने दिखाऊँगा ऐसा। खैर ये चश्मे को निकाल देता हूँ, काफ़ी कम्फर्टेबल नहीं लग रहा है, फिर आके शूट करता हूँ। और ये देखो अभी आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, ये इसका स्टेबलाइजेशन, पहले मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसका स्टेबलाइजेशन किस तरह से वर्क करता है और कितना ये इफ़ेक्टिव है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इसका स्टेबलाइजेशन देख लो, मैं जिधर भी इसको मूव करता हूँ कैमरा उधर जाता है और ये वाइब्रेट नहीं होता वीडियो, यानी वीडियो ऐसा ऐसा जब आप शूट करेंगे तो लेफ्ट राइट करके वाइब्रेट नहीं होता है। जैसा आप चलते रहेंगे या कभी ऐसा दौड़ भाग करके शूट करेंगे इसको तो ये वाइब्रेट नहीं होगा वीडियो, वीडियो को एकदम सेटेबल रखेगा, यानी स्टेबलाइजेशन इसका बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो जिस तरह से मैंने मूव कर रहा हूँ नीचे ऊपर, ये देखो, और ऐसा लेफ्ट राइट भी जब भी आप करेंगे तो ये अच्छी तरह से होएगा। और उसके बाद जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके गिम्बल इंसान लेता है तो उसके लिए ही लेता है, नहीं तो गिम्बल लेके क्या मतलब बनता है, तो उसको तो देखना बहुत ज़रूरी है आपको। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जॉयस्टिक बटन है, और जब इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक ऐसा इसको प्रेस करना है हल्का और इसको राइट खींचना है, तो यहाँ से ये देखो ये ऐसा राउंड अप ले रहा है पूरा, और जब इसको मैं लेफ्ट साइड में जब इसको प्रेस करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड से घूमता है, ये देखो, और काफ़ी अच्छा शूट करता है वीडियो को आराम से। अगर मुझे मूव कराना पड़ेगा अप डाउन में कराना है तो इसको तो ये यहाँ से ये देखो ये किस तरह से मूव करता है, ये देखो, और ख़ास करके ये बहुत एक काम का चीज़ है। और ये रहा इसका पावर बटन, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि पावर बटन से इसमें तीन तीन फीचर्स एक साथ में दिया है एक पावर बटन के अंदर। जब इसको आप एक बार ऐसा क्लिक करेंगे, 1 प्रेस करेंगे इसको आप, ये फ़ोटो को कैप्चर करता है,
ये देखो ये फोटो कैप्चर कर लिया, लेकिन जब इसको आप दो बार प्रेस करेंगे, डबल प्रेस करेंगे ऐसा, तो ये वीडियो को वापस से प्ले कर देता है। और जब इसको वापस से वन क्लिक करेंगे, जो वीडियो फीचर दिया है ऑटो डिटेक्ट कैसा करता है ये ऑब्जेक्ट को, वो मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ और ये कैसा ऑटोमेटिक देखो ये मूव कर रहा है, ये देखो। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है, आप ये जगह सेटेबल रह के इसको आराम से रख कर, अगर आप भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं वीडियो, तो इसको स्टैंड पर रख के तो ये ऑटोमेटिक ये फोकस करेगा और ये रिकॉर्ड करता है फ्रेंड्स। इसमें और एक बहुत बेहतरीन फीचर दिया है, और वो है जैसा कि रोबोट फिल्म का छोटा चिंटू है वैसा आप इसको समझ सकते हैं। वो इसमें क्या है वो बताता हूँ आपको। ये अभी तो आपने 360 डिग्री का नाम सुना होगा कि ये मूव करता है, लेकिन इसमें 600 डिग्री का दिया है, 600 डिग्री मोड पे ये मूव करता है। तो वो कैसे मूव करता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये पोजीशन से मैंने इसको शुरू किया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉयस्टिक बटन को, राइट साइड में इसको प्रेस करेंगे बटन को। अब ये देखो कैसा घूम रहा है, ये देखो। फिर वापस आप लेफ्ट इसको बटन के स्विच को दबाएंगे थोड़ा, तो ये देखो एक बार घूमा, फिर यहाँ से दूसरी बार को मूव कर रहा है, यानी घूम रहा है, राउंड अप ले रहा है। ये कितना बेहतरीन फीचर है, आप एक जगह पे खड़े होकर आसानी से चारों तरफ का वीडियो को शूट कर सकते हैं, और इसमें भी दिया है। और जो नेक्स्ट फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही कमाल का है, तो वो भी ज़रा दिखाता हूँ गाइज। अब जो मैं नेक्स्ट दिखाने जा रहा हूँ वो है जूम इन जूम आउट। वो इसका फीचर आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो इसका स्विच दिया है यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहीं से आपको अप और डाउन करना है, तो ये ऑब्जेक्ट को जूम इन जूम आउट करेगा। तो उसका फीचर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से ये जूम इन और जूम आउट ये कर रहा है, ये देखो। तो गाइज कैसा लगा मेरा वीडियो, आई होप मेरा ये वीडियो काफ़ी आपको यूजफुल लगा होगा। दोस्तों ऐसे ही मैं एक से बढ़कर एक नई और इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो गाइज मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए गैजेट अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।